10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक टेबल दी हुई है, ये इस तरीके से ये एक टेबल दी हुई है, और हमें इसमें ये मिसिंग जो ये दिया हुआ है हमें ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा इस पूरे इसमें, इसी तरीके से इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसी तरीके से तीसरी रो में। इन तीन में जब हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे तो तीसरी वाली में पैटर्न लगा के उसे सॉल्व करके और हम ये मिसिंग जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पहली वाली जो ये रो है ये वाली, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसे पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें 3, 27 और 18, अगर हम 3 का होल क्यूब करें, 3 का होल क्यूब करें कितनी वैल्यू होती है, 27 होती है 27। उस 27 में से अगर हम 3 का स्क्वायर घटा दें, कितना 3 का स्क्वायर, ये 27 माइनस का 3 का स्क्वायर घटा दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, जो कि हमारी वैल्यू ये वाली है। यानी कि इसमें रिलेशन क्या आ गया, ये पहली वैल्यू 3, ये क्या होगा 3 का होल क्यूब, और ये वाली वैल्यू क्या होगी 3 का होल क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम इधर देखें दूसरे वाले में अगर देखें ये वैल्यू 6, 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216। अगर हम उस क्यूब में 6 के होल क्यूब में से अगर हम 6 का स्क्वायर घटा दें, कितना घटा दें 36, अगर हम 216 में से 36 घटा दें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 180, यानी कि हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लास्ट वाले में पैटर्न फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू क्या है 9, तो 9 का होल क्यूब कितना होता है, 9 का होल क्यूब होता है 729, यानी कि ये रही। अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 7 का होल क्यूब 9 का होल क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 729 माइनस का 81। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 648, कितनी आएगी 648। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट।